ऐसी बातें करिए जिससे जल्दी हो उस रिश्ते से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमसे ज्यादा जानती हूँ मैं उसे। खैर चले माया के पास। चल। अच्छा हुआ बचा लिया आपने, वरना मैं तो गई थी आज काम से। तुम कब आई? मैं और निम्रा तो काफी देर से आए हुए थे, अब बस वापस जाने वाले। पता होता तुम आई हो तो पहले आ जाता। अब तो आना जाना लगा रहेगा, मुनज़्ज़ा आंटी के साथ मिलकर शादी की बहुत सारी शॉपिंग जो करनी है। शादी तुम्हारी? हाँ, हमदान के साथ। Good. Congratulations. Thank you. बस उसी के लिए मिठाई देने आए थे। खुश हो तुम? हाँ, बहुत। Well, होना भी चाहिए। कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना। हैं, बहुत से काम आए हैं आपके हिस्से में। मसलन? डैड ने कहा है कि सारे इम्पोर्टेंट काम आपको ही करने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी खानदान की पहली शादी है ना, अब आज हम किसी और की शादी में काम करेंगे तो कल को कोई और हमारी शादी में काम करेगा। ये तो है। खैर, डैड ने कहा था जल्दी आ जाना, फिर भी बहुत देर हो गई है। निम्रा आ भी जाओ, देर हो रही है। माया के पास है। अच्छा, मैं भेजता हूँ उसे। हाँ, मैं आंटी को खुद ऑफिस लेके आती हूँ। आज जमाल से बात हुई थी मेरी शादी की तारीख के सिलसिले में। फिर क्या कहा उन्होंने? वो कह रहा था कि जब चाहें तारीख रख लें, वैसे भी आजकल तो हर चीज बाजार से तैयारी मिल जाती है और शादी की तैयारी भी दिनों में ही हो जाती है। ठीक है, फिर कल आप जाएं और शादी की तारीख रखें। शादी की तारीख इसी महीने की 25 रखनी है। 25 से क्यों? बस है कोई बात। इसका मतलब है कि वो दिन तुम अभी तक नहीं भूले। अरिश्मा की बर्थडे में भूली कब सकता हूँ? भूले नहीं हो तो आप भूल जाओ। पुरानी बातें याद रखने का क्या फायदा बेटा, जिंदगी तल्ख हो जाती है। और वैसे भी तुम खुद अरिश्मा को अपना रहे हो, आप ये सब याद रखने की कोई दुख नहीं रह जाती ना। भूल जाऊंगा मॉम, भूल जाऊंगा, फिक्र नहीं करें। फिलहाल तो आपने शादी की तारीख यही रखनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ, कल बात करते हैं।